जानना चाहूँगा इस बार जो ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए और कंटेस्टेंट्स के बारे में, और कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? बेसिकली आपका प्यार ही है जो हर बार हम अपना शो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और लास्ट ईयर जैसे हमने मॉरिशस किया, इस बार हम लोग कर रहे हैं दुबई, एलन एंड अबू धाबी, मतलब पूरा यूएई हम लोग कवर कर रहे हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड से जैसे हम हर बार 25 कंट्रीज़ लेकर आते हैं। हाँ, थोड़ा कोविड के चक्कर में हम लोगों का थोड़ा कम हुआ है इस बार, बट हाँ 18 कंट्रीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया को दुबई के अंदर, और ये जो फिनाले हम लोग इसका करने वाले हैं वो अगस्त में। बाकी आप बताइए, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है उसके बारे में बताइए, वो कितना डिफिकल्ट रहा? इस बार बहुत डिफिकल्ट रहा, हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश करी और हम लोगों ने एक वर्चुअल पेजेंट किया जो हमारे लिए एक ऑडिशन की तरह ही था, जिसमें हम लोगों ने मतलब इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी हम लोगों ने कंटेस्टेंट लिए वर्चुअल पेजेंट में, और उनके जो विनर्स थे तो वो ऑडिशन में हम लोगों ने फाइनलिस्ट में अपने इस फिजिकल पैजन में लिया। और ये जंग में बहुत लोग एसोसिएटेड हैं इससे, तो उसके बारे में बताइए कि स्पॉन्सर से लेकर और भी जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे बड़े तो हमारे श्री भाई हैं, तो संकेत प्रोडक्शन बेसिकली इस बार दिस इज नॉट ओनली अ पैजन, इट्स गोना बी अ रियलिटी शो, मतलब पैजन कम रियलिटी शो, और टेलीकास्ट होने वाला है ये एज वेब सीरीज। तो संकेत प्रोडक्शन ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे साथ में ही हैं। समथिंग इंट्रोडक्शन दीजिए प्रोडक्शन। मिसेज इंडिया का जो चल रहा है इनका, काफ़ी 3-4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, तो हमने सोचा कि इसको और इंडिया में और इंडिया से बाहर भी हम इनको आगे इनको प्रोत्साहन करें, एक लेडी जो मिसेज जो हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले अच्छा और वो आगे बढ़े। मेरा नाम लवकेश धालीवाल है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी मिसेज इंडिया यूनिवर्स। ये जो प्लेटफॉर्म है जो लेडीज़ हैं उनके लिए बना है, जो घर बैठे जो एक सपना पाना चाहती है, एक प्लेटफॉर्म जो ग्रो करना चाहती है आगे, ये उनके लिए है। सो हम बहुत खुश नसीब हैं और हम बहुत हैप्पी हैं सब कि ये कोरोना काल के बाद हम लोगों ने फिर से कदम उठाया और अच्छे से करें। टीन को टारगेट करने का नहीं था, बट हम लोग एक नए पैजेंट के साथ आ रहे हैं जो मिस टीन इंडिया यूनिवर्स है, जिसका आज हम एक छोटा सा लॉन्च भी करेंगे, दैट्स इट, और उसकी प्लानिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे चलेगी। हाँ जी, एंड ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जितने कॉम्पिटिशन हो रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे जो आप ब्रांड क्रिएट किए अभी तक? हाँ जी, इतने सारे जो कॉम्पिटिशन, क्या आपका यूनिकनेस रहा है, क्या सर? सबका अपना अपना पैजेंट, अपने अपने ब्रांड्स हैं, सबके अच्छे पैजेंट हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। यूनिकनेस की बात तो यही है कि सर आप जितना अच्छा करके दोगे, डिलीवरेबल जितने आपके अच्छे रहेंगे कंटेस्टेंट को, वही आपके पैजेंट को अच्छा बनाते हैं। आपके पैजेंट के लिए कंटेस्टेंट मोर इम्पोर्टेंट है, उनको आप जितना अच्छे से रखेंगे आपका पैजेंट उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वहाँ पे चले जाओ।